पूरा इलाका डूब चुका है, कई तो गांव को डूब चुके हैं सिद्धार्थ नगर जिले में। आप जितना गांव को मान के चलिए तो एक्सपेक्ट क्या आपको कई सौ गांव को है, आपको गिनती नहीं बता सकते कि कितना एरिया को डूबा हुआ है। और इधर का भी इलाका देखिए भाई, इतनी बुरी स्थिति है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते। जब रोड पे ये मेन रोड का ये नौगढ़ से रास्ता आ रहा है, ये नौगढ़ से बांसी के लिए रास्ता जा रहा है, और रोड पे देखिए एक और टच होके पानी बह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है यहाँ का भाई। यहाँ पे खाने पीने के लिए जो को जो गांव डूब चुका है, खाने पीने के लिए हर एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए जिधर देखेंगे चारों साइड पूरा डूबा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा गांव डूबने की वजह से, देखिए ये गांव पूरा डूब चुका है, और डूबने की वजह से लोगों को ठिकाना इस बांध पे बनाना पड़ रहा है। लोग गैस सिलेंडर लेकर के आए हुए हैं, तख्तों को सब कुछ ला करके, देखिए किस तरीके से स्थिति है यहाँ की। ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए, इतनी बुरी स्थिति है भाई यहाँ की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे गांव के लोग इस बात पे आके को बैठे हुए हैं, ठिकाना बनाए हुए हैं अपना। भाई लोगों को देखिए यहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं बांध पे, और यहाँ की स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है भाई। चलो पानी ढो जाए। और ये देखिए जानवर को ला करके यहाँ पे बांधे हुए हैं, गाँव ये पूरा डूबा हुआ है। भाई देखिए यहाँ पे टायर ला के रखे हुए हैं ताकि कोई आ जा सके गांव में, या कोई ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए कोई ये बनाए हुए हैं, ये टायर है। और सब लोगों को अपना ठिकाना यहीं पे बना लिए हैं। देखिए क्या स्थिति है भाई, लोग रोड पे आके को यहाँ पे ठिकाना बनाए हुए हैं। यहाँ पे औरत लोगों को देखिए किस तरीके से आके बैठे हुए हैं भाई, बहुत बुरी स्थिति है। और ये गांव को डूब चुका है पूरी तरीके से, देखिए लोग नाव से को सामान ला रहे हैं। और ये लकड़ी का को देखिए लोग सामान निकालते हुए इस तरीके से जा रहे हैं। पूरा गांव डूब गया भैया, पूरा गांव डूब चुका है, इतना पानी है कहीं बुरान है। देखिए कोई यहाँ पे बता रहे हैं भैया कि पूरा गांव को डूब चुका है, कहीं कहीं पे बुढ़ा है, और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। कौन कोई देखने वाला थोड़ी है इसमें, कोई नहीं देखने वाला है भैया, देखने वाला थोड़ी है। देखिए इससे सरकारी हमारी कर्मचारी ये दे रहे हैं, हम अपने व्यवस्था करेंगे नहीं, वो तो सरकार लोगों को व्यवस्था करना चाहिए। गांव में कम से कम 2000 पब्लिक है, कहाँ से गुजारा होगा। हाँ वो तो है, ये दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। देखिए क्या स्थिति है भाई, अपनी व्यवस्था करके जा रहा, कोई अभी घटना घटी है कौन जिम्मेदारी, कोई है ही नहीं देखने वाला। कौन सा गांव है चाचा? लखना पर है, लखना पर जोगिया थाना क्षेत्र में पड़ रहा है, जोगिया थाना क्षेत्र में पड़ रहा है। देखिए क्या स्थिति है भाई, सरकार को यहाँ पे मदद करनी चाहिए, को भेजने के लिए को भेजना चाहिए। सब घरों में पानी भरे हुए, बच्चे परेशान हैं, किसी को दवा लेना, किसी को कुछ करना है, पूरा गांव डूब चुका है भाई। देखिए क्या स्थिति है, लोग गांव की औरतें निकल करके यहाँ पे आके बैठी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाई, बहुत बुरा कंडीशन है यहाँ का। देखिए जानवर को यहाँ पे ला के बांधे हुए हैं, देखिए क्या स्थिति है भाई, पूरा गांव डूब चुका है। वह तो दिक्कत है,
देखो भाई क्या स्थिति हो गया, गाँव डूबा हुआ है। इसके आगे और ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए क्या स्थिति है यार, सूरज डूबने को है, लोग अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे जाएं। ये पूरा गांव डूब चुका है यार, किस तरीके से लोग खाना बनाएंगे, किस तरीके से लोग खाएंगे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई। जिधर देखेंगे आपको चारों साइड सब जलमग्न हो चुका है इलाका। ये देखिए नाव से को जा रहे हैं गांव के लोग को, जो वो गांव दिख रहा है, गांव के लोग देखे नाव से जा रहे हैं, देखिए नाव से जा रहे हैं उस गांव पे। लगभग कई सौ गांवों को डूब चुका है भाई यहाँ सिद्धार्थनगर ज़िले में। यहाँ की फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है,